दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुनिए विपिन की आवाज़ नई मुद्दे और नई बात के साथ। तो दोस्तों आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का 7 मंथ हो चुका है और मेरा जो हेयर का पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। तो मैं दोस्तों आज आप लोग का हेयर का जो पोजीशन है वो बाहर में चल के दिखाऊंगा, कारण कि ये रूम में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं तो लाइट जो है वो कम बेसी होता है, इसके वजह से आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आते हैं। तो कई मेरे व्यूवर और कई मेरे सब्सक्राइबर हैं छोटे भाई, जो बोला सर एक बार आप बढ़िया से आप हेयर को दिखाइए। तो दोस्तों मैं आज आपको बाहर में दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग का सेहत कैसा है। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आप लोग का सेहत अच्छा रहे और आप लोग तंदुरुस्त रहे और आप लोग जो भी काम करें उस काम में खूब तरक्की करें और आप लोगों को कामयाबी मिले। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल का घंटा दबा दीजिएगा। बेल घंटा का दबाने से क्या है, मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा आप लोग का, और जो नए आए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको जो ये वीडियो आप देखिए, ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ क्लिप, जो मैं स्नान करके आने के बाद में आप लोगों को वो रिव्यू दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। मैं अभी नहा के आया हूँ और आप लोगों को मैं आज फ्रेश में बाहर में जो है वो रिजल्ट दिखा रहा हूँ। अभी ये यहीं पे बारिश हो रही है तो आपको सबसे पहले बारिश का नज़ारा दिखा दें हम। ये मेरे घर का सामने का है, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। ये देखिए, ये मेरा जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं। देखा आप लोगों ने रिजल्ट? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कैसा लगा मेरा रिजल्ट, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक्चुअली में क्या है, मेरा जो है हेयर ट्रांसप्लांट FUT टेक्निक से हुआ था, कारण कि FUT टेक्निक से बहुत ही कम यूट्यूबर है जो नहीं के बराबर है। मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूँ जो FUT टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो है FUT टेक्निक में क्या होता है, वो पीछे सर का पोजीशन जो स्टेप लिया जाता कटिंग करके उसके बाद होता। तो उसका कारण क्या था, FUT कराने का कारण था मेरा कि मेरा जो है 80% जो हेयर लॉस हो चुका था। सिर्फ ये जो देख रहे हैं ये पीछे में जो है वो सिर्फ मेरा बचा हुआ था, 20% हेयर में से निकाल करके ये सामने को ग्राफिक करना था। इसलिए मुझे FUT टेक्निक से डॉक्टर ने बोला कि आपका जो ग्राफ है वो काफ़ी कम है और काफ़ी पतला है, तो मुझे FUT टेक्निक से ही कराना पड़ेगा। तो मैं डिसीजन लिया कि FUT टेक्निक से कराता हूँ और FUT टेक्निक में कराने के बाद मेरा रिजल्ट जो है वो मैं काफ़ी अच्छा डेंसिटी तो नहीं बताऊंगा लेकिन मेरे लुक के हिसाब से और वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हुआ है। और मैं जो पहले दिखता था उससे काफ़ी अभी चेंजिंग आ गया हूँ। तो दोस्तों एक मेरा दिल्ली का भतीजा है जो वो बार बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा है कि चाचा जान आप हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाएं, फिर से क्या कुछ इरादा है क्या, आपका तो इसी तरह ठीक था। तो यार मैं तू बार बार कमेंट कर रहा है, बार बार लिख रहा है, मैं दिल्ली आ रहा हूँ तो अपनी अम्मा जान को बोल देना कि चाचा जान आ रहे हैं, तो तेरी अम्मा ही बताएगी कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से लुक मेरा क्या चेंज हुआ है। तो छोड़ो उन सब बातों को। तो दोस्तों अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आप हेयर ट्रांसप्लांट जो है FUE टेक्निक से भी करा सकते हैं, FUT टेक्निक से भी करा सकते हैं। तो FUT टेक्निक से कराने से क्या है, आपका जो ग्राफ थोड़ा ज़्यादा निकलेगा और आपका जो है अगर आप 7 ग्रेड 7++ है, मैं 7++ था इसलिए मुझे जो है हेयर ट्रांसप्लांट जो है FUT टेक्निक से कराना पड़ा। और कुछ मुझे मेरा जो बॉडी का भी हेयर है वो लेना पड़ा। मैं टारगेट में हूँ कि एक बार और हेयर ट्रांसप्लांट, ये जो पोजीशन है मेरा अभी पीछे का ग्राफ जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, आप तो वीडियो में अभी देखे हैं जो पीछे का पोजीशन है मेरा, इससे अभी मेरे को कम से कम 1000 ग्राफ निकल जाएगा। तो 1000 ग्राफ इस जगह मेरा जो ये जगह रिजल्ट उतना नहीं अच्छा नहीं आया है, आप देखे हैं आप लोग, तो इस जगह 1000 ग्राफ जो है मुझे कवर करवाने का प्रोग्राम है, देखते हैं अगर कवर कराएंगे तो फिर आप लोगों को वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों
इससे और मैं आप लोग का कई व्यूवर है जो मेरे सब्सक्राइबर है, उन लोगों ने बोला सर आप जो है, मैं बिजनेस आइडिया का भी कुछ वीडियो भी बनाता हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट का भी इसी में डालता हूँ। तो एक्चुअली मैं जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो डालता हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर जो बिजनेस वाले हैं, नए लड़के लोग बिजनेस सीखने का और कुछ करने का, उन लोग गुस्सा हो जाता है। अगर इधर नहीं डालता हूँ मैं तो इधर भी लेट हो जाता है। तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि दोनों चैनल को अलग करने के लिए आप लोगों से एक बार आगे भी मैंने कमेंट में पूछा था तो आप लोगों ने राय दिया कि दोनों जो है एक ही चैनल में रखिए। तो दोस्त मैं फिर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि क्या करना चाहिए, मुझे दो चैनल बनाना चाहिए, सिर्फ हेयर के बारे में एक अलग और एक बिजनेस के आइडिया के बारे में अलग, या फिर दोनों का वीडियो एक ही में मैं डालूँ। बस ये आप लोग से राय लेना, आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा। तो दोस्तों बस आज का जो है ये आप लोग को दिखाना था रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों रखते हैं, फिर मिलेंगे नई मुद्दे और नई बात के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मैं बोलता हूँ एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो इस चैनल पर नए आए हुए। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।